गरीबों को नहीं मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास, एक ही कमरे में रहने को मजबूर है 16 परिवार। हम बात कर रहे हैं चंदौरी पंचायत के तुरिया टोला निवासी किरण देवी पति जितेंद्र तुरी, जो प्रधानमंत्री आवास के लिए सालों साल से चक्कर लगा रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास के लिस्ट में नाम रहने के बावजूद उन्हें नहीं मिल रहा है। किरण देवी द्वारा आरोप भी लगाया गया कि 2 वर्ष पूर्व वार्ड गुड़िया देवी द्वारा प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर 5,000 रुपए लिए गए थे, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाया और ना ही पैसा वापस किया गया। जब भी आवेदक द्वारा पूछा जाता है तो टाल मटोल कर कुछ दिन और रुक जाने की बात बता दी जाती है। मुखिया के पास भी कई बार गए पर मुखिया भी चुप्पी साधे हुए है। बता दें कि एक ही झोपड़ी में 16 परिवार रहने को मजबूर है। इस मामले में जब मुखिया प्रतिनिधि गोपी रविदास से बात किया गया तो मुखिया अपना पल्ला झाड़ते हुए मीडिया को बताया कि मुझे इसकी जानकारी मिली है, जितेंद्र तुरी का क्रमांक 97 नंबर पर था जिस कारण इसे नहीं मिल पाया। जितेंद्र तुरी लेने योग्य है, जल्द ही वीडियो से बात कर प्रधानमंत्री आवास दिलाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे, इतना छोटा जगह पे? कितना परिवार है आप लोग? 17-18। तो आज तक मुखिया आपको कॉलोनी नहीं के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं बताया। तो आप किसी के यहाँ गए थे क्या कॉलोनी के लिए मांगने के लिए? मांगने गए थे वो गुड़िया देवी। अच्छा, तो 17 नंबर में है, अभी नहीं आएगा कॉलोनी। आपके द्वारा कोई पैसा मांग किया था? मांगा गुड़िया देवी। तो आप उसको दिए थे पैसा? दे दिए। सब फोटो घर के लेकर निकल देखो, 6-5 हज़ार बताओ डर पे। कितना पैसा दिए? 6,000। और क्या बोली वो? 1 महीना के बाद में आ जाएगा तुरंत। अब 3 साल हो गया। सचरी बोलेगा तो दे दिए सूरत की, अभी आ जाएगा आज ही बुध दिन। पैसा ले लिया हम लोग, गरीब आदमी है, पैसा ले लिया असूद पर, पैसा उठा के दिए और पैसा भी नहीं वापस किया है। पैसा भी वापस किया ना, कॉलोनी दिए कुछ नहीं, बोलता 17 नंबर में है, आएगा कॉलोनी। किसके नाम से आया? जितेंद्र तुरी। तो आप लोग कितना परिवार रहते हैं इस घर में? 17-18 परिवार। क्या मामला है उसका जो कॉलोनी अभी तक नहीं मिल पाया है, इसके विषय में आपको क्या कहना है? देखो, ऐसा है कि सबसे पहले वो जो आवास प्लस का जो जियो टैग हुआ था उसमें टेक्निकली गड़बड़ी वो सब किया है आवास जियो टैग करने वालों ने, तो उसको सबसे पहले उसको डाल दिया 2 कमरे का कच्चा मकान, और प्रायोरिटी यहाँ 1 कमरे का पक्का कच्चा मकान का मिलता है। तो जब ग्राम सभा जब हो रहा था तो 1 कमरे का कच्चा मकान को हम लोग ने प्रायोरिटी के आधार पर 1 से लेकर के 72 क्रमांक तक हमने 1 कमरे का पक्का मकान डाला। उसका क्रमांक 97 है 2 कमरे का पक्का मकान में, इसके वजह से उसको हम, चूँकि मेरे यहाँ 23 आवास आया था तो 23 आवास है, 1 से लेकर 23 कुछ आदमी अयोग्य था, उसको हटा करके 26-27 तक गया। बाद में अभी हम लोग को 40 आवास मिला है कि 40 आवास का आप सूची दीजिए। तो 40 आवास भी अगर हम दे रहे हैं तो 1 कमरे का कच्चा मकान वाले तक ही सीमित हो जाता है, तो हम इसके लिए कोशिश करेंगे। मैंने भी इसका घर को देखा है, उसको एकदम प्राथमिकता मिलना चाहिए। मैं वीडियो साहब से ही बात करूँगा और उसको जंप करके उसको देने का मैं प्रयास करूँगा, और मैं उसको बता भी दिया हूँ कि आप डॉक्यूमेंट वगैरह लाइए, मैं वीडियो साहब से बात करके और मैं आपको अविलंब आवास दिलाने का काम करूँ। महिला द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि गुड़िया देवी वार्ड सदस्य के द्वारा 6,000 रुपया 2 साल पूर्व में दिया गया है और आज तक मुझे उसका लाभ नहीं मिल पाया, इसमें क्या कहना है? इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं। कि मैं सारे लोगों को मैं कहता हूँ, जितना भी आवास धारक है, कि आप किसी को 1 पैसा में मत दीजिए। मेरे जानकारी में कुछ बात नहीं है, अगर कोई दे दिया है तो उसकी गलती है और लेने वाली की गलती है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।